आखिर मान गए यार, कमेंट में लिख लिख के बेचारा अभिषेक शर्मा के साथ आउट करा दिया सब यार। अरे यार मैं आज मैं बता दे रहा हूँ, वही लोग का आज फिर से जरूरत पड़ने वाला, ठीक है। वीडियो में एक सवाल और रहेगा, जानते क्या चीज, आज देखे फिलिप साल्ट और ये सुनील नारायण, आज दोनों के ऊपर गाज गिरने वाला है, समझे। तो एक का तो मतलब आप ही बता पाएंगे क्या हो सकता है क्या नहीं, और एक का मैं आपको कंफर्म बता दूंगा, जैसे कल मैंने हेड के लिए बता दिया था आपके पास, ठीक है। अब अभिषेक शर्मा का आप फैसला किए थे, अब इतना खतरनाक हम नहीं जाना, इतना खतरनाक फैसला आप कर सकते हैं यार, मान गए यार। चलिए ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गगन चुंबी मैं छूने वाला कह सकते हैं, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जो है ना बुमराह, रोहित, ये सब झंडा काट देगा सब आज, समझे। और जो उधर से सुनील है ना स्टार्टिंग करने वाले, अब साल्ट जो है ना टाटा फेस हो जाएगा। कैसे हो रहा है देखिए, बता रहा हूँ सब कुछ। सबसे पहले जानिए, आज मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच होने वाला है। प्रचंड बहुमत पता है सबको ना, चल रहा है भैया एकदम 500 पार इस बार, ठीक है। 51 नंबर का ये मैच है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच हो रहा है। ये थोड़ा सा चुनाव है, बहुत तगड़ा है, इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि राइट एम फास्ट यहाँ पर बम बम कूटता है, समझे। उसके बाद यहाँ पर 3 मई 2024 7:30 PM ये मैच खेला जाएगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा एक वीडियो को लाइक होना ही चाहिए, तब जाके स्टार्ट अच्छा होगा, है ना। एक लाइक हो गया वीडियो में, और आज का मैच कौन जीतेगा टपाटप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए ना। कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादा नहीं करना, बस यहाँ पर हैशटैग डालिए, ऐसा हैशटैग आता है ना, ऐसा ना कीबोर्ड वहाँ पर आता है यार, ऐसे डाल करके, और उसके बाद यहाँ पर MI चाहे कौन कोलकाता, ठीक है ना, KKR लिखिए चाहे MI लिखिए, आपका मर्जी है कौन जीतेगा आज का मैच, मगर आपको लिखना है ये हमारा काम, ठीक है, जरूर लिख दीजिएगा। एक वीडियो को लाइक बिल्कुल करिए, क्योंकि एक लाइक के वजह देखिए बहुत सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज भी बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना, अरे भैया 94% अभिषेक बर्बाद हो गया होगा सब लेकर के, समझे। हम लोग भी ऐसा नहीं किए, हम लोग भी लिए एक में छोड़े, दिमाग का इस्तेमाल किया उन्होंने, आज भी करेंगे, समझे, क्योंकि हमारे पास दिमाग है भाई, अपना दिमाग के साथ करवा दे के करना, हम दिमाग से काम करते हैं। तो समझिए यहाँ पर देखिए मैच का डिटेल्स आपको निर्णय लेने में आसान होगा। ये अगर साथ जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 चीज देखते हैं ना, तो आपको निर्णय लेने में आसान होगा, समझे। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पेशल बॉलर्स एनालिसिस करके देंगे, पिच रिपोर्ट आपको देने वाले इसमें हम टीम वीडियो में। उसके बाद टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और ऑल प्लेयर स्टेटस इन डिटेल्स, प्लेयर बैटल और स्केड्यूल, प्लेयर्स और जीएलएसएल टीम भी साथ में आपको देने वाले। तो भाई एक लाइक तो बनता है, फटाफट करिए जो भी काम करना, क्योंकि आज हम थोड़ा सा स्पीड में है, आज हम सोचे हैं कि नहीं 40 मिनट आज नहीं खींचेंगे, आज 30 मिनट में खत्म करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। देखिए भाई पहले बता दूं यहाँ पर कि भाई जितने फेक लोग में टेलीग्राम पे ज्वाइन है, कुछ लोग कहना भैया टीम आता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं आता, कुछ लोग बोलते हैं देते हैं मैं पैसा लेके देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं फ्री, अब सबका एक आंसर है, ठीक है। हम टीम बिल्कुल फ्री देते हैं और रोज टीम देते हैं, आंसर कहाँ इसका सटीक मिलेगा, कुछ नहीं करना है, जितना लग पर ज्वाइन है फेक वन पे ना सब पे हट जाइए, ठीक है, यहाँ से हट उठ करके और आना तो रहिए, हमको से मतलब नहीं है, मगर अभी अभी आप इस मोड़ पे आप क्लिक कर लीजिए, कर लीजिए, जिंदगी बना देंगे यहाँ से हम, ठीक है। यहाँ क्लिक हो गया, इस पर जैसे ही क्लिक किए यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक ओपन होगा, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, तीन वो लिंक हो गया यहाँ पर, तीन टो, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, उसके बाद ये टेलीग्राम का लिंक हो गया, ये ज्वाइन है ना, इस पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। एक लाइक मुझे देखकर चेक कर लीजिएगा ज्वाइन हुए कि ना हुए, यहाँ पर किसी का बाप भी आपसे पैसा नहीं ले सकता, समझे। दूसरी बात, यहाँ पर किसी का बाप भी टीम आने से रोक नहीं सकता, क्योंकि हर दिन मैच के 10 से 15 मिनट बाद आपको टीम यहाँ पर मिलती है, या मान लीजिए 20 मिनट बाद लास्ट लिए, इतना में आपको मिल जाता है, समझ में आया बात। और कौन टीम मिलता है, जो हम खेलते हैं, जो ही खेलता है नहीं लिखवा वही टीम आपको मिलता है। और कैसे मिलता है, सब कुछ फ्री मिलता है, GLSL जो भी टीम हो सब फ्री होता है, ठीक है, समझ में आया। सबका सवाल एक है, बस यहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए, बाकी और ज्वाइन करना है ये आप चलिए कमेंट बॉक्स में, सबसे ऊपर में होगा एक नंबर पे कमेंट बॉक्स होगा, ऐसे पिन किया होगा, ऐसे टिक मारा होगा, उसी में से ज्वाइन करेंगे। और वो कोई आके अपना टेलीग्राम का लिंक पेस्ट कर देगा, आप जाकर हाँ ये ज्वाइन हो जाओ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर होगा, बस समझ में आया बात। प्लस में इस चैनल पर नए हैं ना, यूट्यूब चैनल पर ना अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो अपने को देखता है एक बार ना वो अपना ही हो जाता है, वो जा ही नहीं पाएगा छोड़ करके, ठीक ना। तो ऐसा दिक्कत आपको कल होगा हमको खोजने में, इससे बड़ी आज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इससे फायदा आपको भी है, एक तो स्टेट्स मिलेगी जो यूनिक, और सबसे मेन जो बोलता हूँ रिस्क लेने का क्षमता जो अपना यूनिक है ना वो आपको मिलेगा इस वीडियो में, समझे। बाकी स्टेट्स तो कोई भी ला के दे सकता है यार, कौन नहीं दे सकता है, मैं रिस्क लेना कौन सिखाएगा, जो रिस्क लेता है, और हम जो रिस्क लेते हैं ना भाई, नीतीश रेड्डी जाके देखिए धुआं छुड़ाया हुआ है, समझे, जाके देखिए टीम में लेके दिए, आवेश खान 4 विकेट, ये सॉरी 2 विकेट लेकर रखा हुआ है, 64 पॉइंट दे दिया, ऐसे लेकर रखे हुए हैं यार, ये सब करना पड़ता है, क्या है करना पड़ता है, ऐसे थोड़े होगा जी, थोड़ी जीत पाई वैसे। अब समझिए पिच रिपोर्ट,
पिच रिपोर्ट 160-180 यहाँ पर क्या है एवरेज होने वाला है। यहाँ पर 235 पे एक विकेट है, 67 पे यहाँ पर 10 विकेट है। लास्ट जो है कि एमआई वर्सेस सीएसके का मैच हुआ था 14 अप्रैल 2024 का हुआ था, ये जानेंगे हम लोग क्या हुआ था। इसमें सुटेबल फॉर यहाँ पर ओवरऑल बैटिंग पिच है, ठीक है, फ्लैट बैटिंग सर्फेस है। यहाँ पर आल्सो हेल्प फास्ट बॉलर्स को थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि 8 मैच में देखेंगे तो 28 विकेट स्पिनर्स को है, 64 विकेट यहाँ पर पेसर्स को मिला है। पेसर में कौन कौन पेसर है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फर्स्ट इनिंग मिला उसको, सेकंड इनिंग मिला, हेड टू हेड फर्स्ट इनिंग मिला, सेकंड इनिंग मिला, कब मिला, सब कुछ आगे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए फर्स्ट इनिंग में अगर बात करें यहाँ पर तो 206 पे 4 विकेट, 186 पे यहाँ पर 6 विकेट, ठीक है, 196 पे 8 है, 199 पे यहाँ पर 3 विकेट है, 234 पे यहाँ पर 5 है, तो 205 पे यहाँ पर 8 है, 125 पे यहाँ पर 9 है, 127 पे यहाँ पर 4 विकेट। लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 8 के बीच में भी विकेट का आंकड़ा ज्यादातर रहता है, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग देख लीजिए आप, चाहे सेकंड इनिंग देख लीजिए, और नहीं तो 3-4 में काम फरिया जाता है, समझे। तो 3-4 कब फरियाएगा, जब केकेआर के बैट्समैन सुनील हो, चाहे साल्ट हो, अच्छा ठोकाई करेगा तब, और नहीं तो नहीं फरियाएगा और नहीं ठोकाई करेगा, ये भी कन्फर्म हो रहा है। तो कैसे फरियाएगा फिर कैसे फरियाएगा, 8वां तक भी जाना पड़ सकता है आपको, समझे। तो किसको लेकर चलना है सब कुछ आगे बात करेंगे। पहले यहाँ जानिए वेन नो टी20 स्टैटिक्स, मतलब टोटल मैच कितना 115 मैच यहाँ पर हो गया ईडन गार्डन में। अरे ईडन गार्डन नहीं, अरे अरे क्या नमा था ना, बड़ी लक्कड़ आदमी यार, क्या बताएं कैसे जिंदगी चलेगा हमारा, क्या नमा था वानखेड़े, अच्छा हाँ वानखेड़े 115 मैच हुआ, टोटल 52 देखिए यहाँ पर मैच में जो फर्स्ट इनिंग जीता और सेकंड इनिंग 63 बार जीता, थोड़ा सा 63 देखे तो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा कंपेयर करें तो जीतने का चांसेस है, मगर लगभग मैं मिला जुला के देखे तो वही बराबर चल रहा है, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे 27 बार रन बना है, ठीक है, 150 से 169 यहाँ पर 26 बार, 170 से 189 यहाँ पर 34 बार, और 190 से ऊपर भी 28 बार रन बन चुका। तो आज का मैच में आपको क्या लगता है बताइए, आज का मैच में क्या लगता है, स्क्रीन शॉट पहले इसका ले लीजिए, ठीक ना, हो गया स्क्रीन शॉट। आज का मैच में क्या लगता है आपको, कितना रन बन सकता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हैशटैग टीम का नाम KKR प्लस में रन, हैशटैग MI फिर रन लिखेंगे तो और भी मजा, मतलब आप प्रोफेशनल दिखाई देंगे, बाकी लिखने तो कैसे कोई भी लिख सकता है, समझे, प्रोफेशनल आइए, थोड़ा मजा आता है देख करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा ना, ले लीजिए, नहीं पीछे जाके ले लीजिएगा। फिर 32 मैच दोनों के बीच में हुआ, 23 मैच यहाँ पर कौन जीता भाई, मुंबई जीता, 9 मैच कोलकाता जीता, मतलब आज का मैच कौन जीतेगा बताइए ना, हैशटैग लिख डाल दिया ना, जरूर लिखिए भाई, सांस फूल जाती है आपके लिए काम करने में, अगर उतना भी ना लिखवा तो फिर कहाँ लिखवा, तो थोड़ा सा उंगली के रेस्ट उठ मत ना, थोड़ा सा खटावा, ठीक है। तो 23 और 9 में अंतर दिख रहा आपको, मुंबई का जगह है, गढ़ है मुंबई का, और ये कोलकाता में कौन है भैया, नारायण है, साल्ट, ये सब अगर आउट हो गए तो फिर तो मतलब टाइट ऑफिस हो जाए कोलकाता के, जान लेते हो, हालांकि है ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें बहुत वो है सब, क्या बोलते हैं उसको यार, अरे क्या बोलते हैं, बहुत तेज मारने लगा, अरे क्या बोलते हैं यार, क्या यार सलग, अरे उसको क्या बोलते हैं जो तेज मारता है, बैट्समैन तो सबको बोलते हैं ना, अरे इसको चलिए आगे हटाइए दुनियादारी यार, आगे जब याद आगे बताएंगे, ठीक है। 14 अप्रैल 2024 इसमें CSK वर्सेस MI का मैच हुआ, 206 पे 4 है 20 है, फिर 186 6 20 है यहाँ पर, समझे। तो ये 4-6 का विकेट देखिए रेशियो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर रह रहा था, इसको थोड़ा अच्छे समझाता हूँ। 3 फर्स्ट इनिंग में और 3 ये 1 सेकंड ये फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को मिला, ठीक है, ये पेसर्स को, ये स्पिनर को 6 विकेट है, फिर 0 विकेट है, एक यहाँ देखें 3-2 है, 7 और 0 है, यहाँ देखें 7-1 है, 2-1 है, यहाँ पर 6-3 और 4-0 स्पिनर्स के लिए है, मगर उतना कुछ ज्यादा खास नहीं बोल सकते, ठीक है, समझ में आ रहा। अब आके सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा कम ही ध्यान दीजिएगा, सेकेंड इनिंग में देखिए 0-0-0 ये सब 24 का मैच आपको मैं दिखा रहा हूँ, समझे, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा, बाकी फर्स्ट इनिंग में ध्यान दे रहे हैं तो देना है, मगर थोड़ा सा कम ध्यान देना, ज्यादातर पेसर्स को ध्यान देना है, समझ में आ रहा बात है, ठीक है ना। इसका एक स्क्रीन शॉट पहले लीजिए, और इसमें देख रहे कौन कौन है, MI है तो यहाँ MI RCB का हुआ, जैसे MI मान लीजिए आप चेस किया है तो चेस में यहाँ पर जीत गया है, ठीक है, कितना 15 है ओवर में जीत गया है। MI यहाँ पर स्टार्टिंग किया है तो 125 बनाया, इसमें RR जीत गया, अब इसमें CSK 206 बनाया तो 186 पे MI ऑल आउट हो गई है, ठीक है, ऑल आउट का मतलब पूरा ओवर खेल लिया है। यहाँ पर MI पहले बैटिंग किया 234 बना दिया है, जैसे 5 विकेट गिरा, DC यहाँ पर 205 पे ऑल आउट हो गए थे, ठीक है, ये भी मतलब 20 ओवर पूरा खेल लिया, ऑल आउट नहीं है इसमें। तो ये एक दिखाता है कि इतना फर्स्ट इनिंग में इतना ये इतना वो इतना स्पिनर्स को मिलेगा, इतना पेसर्स को मिलेगा, इतना रन बन जाता है, इतना में चेस हो पाता है, ये आपको देखने को यहाँ मिलता है। इसका एक स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, ठीक है, हो गया, ले लिए, उसके बाद ध्यान से आराम से खोल खाल के नीचे घर में समझते रहिएगा उसको कि भाई कितना विकेट कब कहाँ गिरा, कब स्पिन को लेकर छोड़ना है, कब लेके जाना है, अगर ले रहे स्पिन तब ले रहे हैं, तब नहीं लेते फिर बातें अलग, मेरे हिसाब से स्पिन लीजिए तो फर्स्ट इनिंग में ले लीजिए, कट्टो नहीं ऐसे मत लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 मैच कितना कितना मैच 8 मैच का मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डाटा, तो जिसमें राइट आर्म फास्ट को 24 विकेट मिला,
छोड़ना है इसको, मन है कहाँ छोड़ने का, इस बार छोड़ लीजिएगा, मन होगा तब। बाकी राइट आर्म फास्ट मीडियम 11 राइट आर्म मीडियम, यहाँ पर 12 राइट, ये लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, यहाँ पर 17 विकेट लेके गया, ठीक है। लेग ब्रेक की बात करें यहाँ पर 15 विकेट इनको मिला हुआ है। अगर स्पिनर में बात करें तो सबसे इकलौता यही है जो सबसे ज्यादा विकेट मिले। चाइना मैन को तो बिल्कुल एक को विकेट नहीं मिला, कितने मैचों में, 8 मैचों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 8 है, ऑफ ब्रेक यहाँ पर 5 विकेट मिला, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ज्यादा जिसको मिला सीक्वेंस में, अगर राइट आर्म फास्ट में देखा तो अच्छा खासा इनको विकेट मिला, लेके चलने के लायक है, ठीक है ना, लेके चलने के लायक है। चलिए आगे लेके चलते हैं, कौन लेके चलते हैं, कौन है वो बॉलर पता करते हैं आगे, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, एक तो हो गया स्क्रीनशॉट, हो जाओ अरे यार हो गया ना भाई, चले आगे, ये लीजिए। चल फिर ये देखिए भाई, सबसे मजेदार आपके चीज लेकर क्या है, ये स्पोर्ट्स बाजार का, खेल रहे हैं तो यहाँ ना खेले तो फिर खेलने से आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। जिंदा है तो क्या, जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर फैंटेसी खेल रहे हैं तो स्पोर्ट्स बाजार में खेलना आपके लिए जरूरी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चांसेस है कमाने के। अरे फैंटेसी कोई भी खेला करो, रिश्तेदारी थोड़ा निभा रहा है यहाँ पर आकर के, हैं कमा ही रहा है, समझ में आ रहा बात, कमाना है तो आ जाइए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हूँ, अभी से स्टार्ट करिए। मेगा लीग आपके लिए फ्री मिलने वाला, पहली बात तो तुम बस आए ज्वाइन वाइन किया और वेरीफाई किया, आपको मेगा लीग फ्री मिल जाएगा 10,000 के लिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, IPL 200 डाल के डिपॉजिट कीजिए आप पैसे, ठीक है, आपको 19 वाली मेगा टिकट फ्री मिल जाएंगे, ठीक है ना। सोचिए यहाँ पर कोड, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट 7 डाल के आप रियल कैश जो भी डालेंगे इसमें आपको 7% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये सब चीज़ें और कहीं नहीं मिल रहा है, 50 लाख डाल देगा ना, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देगा सर, और काट लेगा सब TDS तो GST ये वो के नाम पे, मगर यहाँ बढ़ा के मिलता है, समझ में आ रहा बात। इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा खेलता हूँ, और मल्टीपल चांसेस से पैसा कमाने का, जहाँ मल्टीपल चांस हो वहाँ पैसा कमाना आसान होता है भाई, दिखाऊंगा मैं कैसे, ठीक है। पहले जाकर डाउनलोड करके तैयार हो जाइए, पैसा कमाना तब, बाकी टाइम पास है। और एक ही बार सोचा कि भैया हमका 3 करोड़ चाहिए, बात अलग है, ठीक है ना। आइए फिर आगे बात करें, पॉसिबल लाइनअप ये क्या है, मुंबई की आप देख पा रहे हैं, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसमें आपको दिख रहा है कोई राइट आर्म फास्ट, ठीक है, दोनों अच्छे हैं, और इनका बोनी बटन नहीं हो पा रहा, पिछला मैच में लिया भी मैंने था, आप देखे होंगे तो दिमाग में होगा तो है ना, आप लेंगे इस बार कहे, हमको दिख रहा है कि हाँ भैया ऑप्शन बा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ताबड़तोड़ ड्रॉप भी किया था, याद है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, अरे देखिए हम इतना बता दे रहे हैं, रिस्क लेने वाला आदमी ही रिस्क ले सकता है ना, तो इंसान तो सब है, सबके पास दो आँख दो पैर दो हाथ नाक सब कुछ है, सब थोड़े वही काम कर पाता है, जो रिस्क लेके काम करता है देखिए एक दिन बुलंदी पर जाता ही आता है, टाइम लग सकता है इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि रिस्क हमेशा थोड़े पास होता है भाई आदमी। मैं सबसे बड़ी बात वही मैं बोलता हूँ, क्या हारने से अच्छा है खेल के हार जाओ, हारने से ऐसे ही अच्छा है कि खेल के हार जाओ, कम से कम एक्सपीरियंस होगा ना, अरे भैया दौड़ा जाएगा मारा था हमको, ऐसे बोलो फेंके थे तो, ठीक है ना, ये मेरा कहने का मतलब है। तो आइए भैया ऐसे भी लगा ही रहे हैं 3 साल का, रिस्क लेके क्यों लगा है, देखा जाएगा एक बार साल क्या करना है, अगर आर चाहे तार है ना, ये इंपैक्ट प्लेयर इसमें से कौन आए खेलने उसके बारे में हम बात बकायदे डाटा के साथ करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करने में जो है ना मजा क्या है उतना नहीं आता है जितना आना चाहिए, है ना। अब देखिए रोहित शर्मा, अरे यार ज्यादा ही मूड बन गया आज लग रहा है ना, 10 मैच 315 एवरेज है, 31 मैच हेड टू हेड मतलब फिस हो गए हैं, बताइए फिस नहीं होना है ना, टनाटन रहना है, ठीक है, हेड टू हेड मतलब जो भी समझ लीजिए आप, उसी के साथ मैं बता रहा हूँ, 31 मैच यहाँ पर 1,040 रन 43 कैच बहुत अच्छा एवरेज है, 75 मैच 2,212 रन बाप रे बाप, यहाँ पर देखा 35 का एवरेज है यहाँ पर, ये ग्राउंड रोहित के लिए मतलब कह सकते हैं बचपन पला पढ़ाया बड़ा सब हुआ, ठीक है, जिसमें 78% टीम ले जा रहा, 49 फर्स्ट इनिंग में 39 यहाँ पर सेकंड इनिंग में, ठीक है, 35 फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में 35 यहाँ पर ग्राउंड में है, आप देख पाएंगे तो, देख पा रहे हैं क्या, देख पा रहे हैं, हेलो हो हेलो देख पा रहे हैं क्या, दिख रहा है लिखा ना कहाँ देखा था ये है। आप देखिए रिसेंट मैच, रिसेंट फॉर्म क्या है भाई, 4-8-6 36 105 अब लेना, 3 बार से छुड़वाते आ रहे ना, आप बोल रहे हो हम ही बोल रहे हैं अपने मुंह से कि ले ला इस बार ले ला भाई, इस बार ले ला। अब देखिए ईशान किशन, किशन जी की बात करते भैया यहाँ 24, 29 और 26, अच्छा बाबू मतलब हेड टू हेड कोलकाता के साथ में भी इनका 26 का है, 7 मैच में 204 रन हे 81, 23 और 28 एक काम करा सेकंड इनिंग में ट्राई कर ला, तो किसका ईशान किशन को, ठीक है सेकंड इनिंग में ट्राई कर लीजिए, फर्स्ट में करने का उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये भी चीज़ मैं बोलूंगा कि अभी थोड़ा सा कोलकाता की तरफ से देख लीजिए पावर प्ले में कौन बॉलिंग करने आ रहा है, क्या तगड़ा है कि नहीं है, है ना, तगड़ा नहीं है दोनों को ट्राई करिए चलेगा, और मेरे हिसाब से तगड़ा नहीं है कोलकाता में बॉलिंग लाइनअप, ओपनिंग देखा जाए या पावर प्ले को देखा जाए तब, जो यहाँ चलते हैं उस टाइप के नहीं है गेंदबाज, ठीक है ना, अभी देख पा रहे जहाँ तक, बाकी आगे दिख जाएगा साफ एकदम सामने ही है यार, वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सब दिख जाएगा, इसलिए कुछ कुछ जो है ना वो थोड़ा सा जो आजकल छपरी वाला काम है भगाने वाला वो सब काम छोड़ दीजिए, उससे कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, देखना तो मन से नहीं तो फिर
सीधा अभी से बंद था, मैंने देखेंगे बातें खत्म हो गई, ये सही होता है थोड़ा सा। 7 176 25 10 380 47.50 का एवरेज और 36, मतलब भाई हेड टू हेड में बहुत अच्छा है देखे तो, और ग्राउंड बहुत अच्छी बात है, मैं बंदा चल नहीं पा रहा इस बार, थोड़ा सा मुश्किल आ रहे हैं। मैं देखा ये 51 41 35 36 इस बार इनको भी रखेंगे टीम में। हाँ भैया फर्स्ट इनिंग में वही तो बोले, फर्स्ट इनिंग में आराम से रोहित रोहित को रख लीजिए। एक तो सूर्या करो क्योंकि फर्स्ट इनिंग में इसके बंदे का अच्छा है, 51 है यहाँ 35 है ना, तो ठीक है अच्छी बात है, समझ मारा बीच में। एक तो गैप भी दे दिया, और नहीं तो अगर हम जैसे बढ़ रहे हैं आगे ना देख लेंगे भैया कोलकाता पास उतना बॉलर नखौर है भाई, है ना, सबको लेकर चलेंगे एक लाइन से, सब आओ सब मारो सब जाओ, समझ मारा बात, तो करेंगे सब करेंगे, अभी टाइम आ रहा है ना, अपना टाइम आ रहा है। ये देखिए तिलक वर्मा, तिलक वर्मा पे उम्मीद मेरा बहुत था, ये बेचारा फ्लॉप हो गया, मतलब मन थोड़ा सा नीसा क्या बोलते उसको नीसू हो गया था, है ना, मैं अच्छा नहीं लगा। 43 37 30 बाकी सब दिन कुछ ना कुछ अच्छा है, यही अच्छा नहीं था। 75 38 90 18 20 और 35 यहाँ पर है, काम कर सकते हैं क्या, 3 मैच में 60 9 मैच में 210। तिलक वर्मा मान लग अगर सटिया के तीनों को लेके जा रहे ऊपर से ना, तो तिलक वर्मा का चांस बनता नहीं उसमें, ठीक है। अगर सटिया के तीनों को नहीं ले जा रहे हैं, एक में मान लो ईशान किशन को ड्रॉप कर दे रहे हैं, फिर तिलक वर्मा का चांस बन जाता है, ठीक है, ट्राई किया जा सकता है तिलक वर्मा। ओके ऐसे नहीं, ऐसे सटिया के ले जा रहे फिर वो लोग खत्म कर देगा मैच, इतना है सर उन लोग के अंदर पावर होता है, ठीक है। हार्दिक पांड्या, पांड्या की बात किया जाए तो 10 में 197 6 15 में 11 विकेट, ठीक है भैया 11 विकेट पर देगा पांड्या, भले बेचारा 0 पे आउट हो गया था, उम्मीद था लिया था टीम में, मगर विकेट से बड़ा खुश किया, मन को सिया आया, साला मूड खराब हो गया, साला इतना अच्छा ऑलराउंडर लिए थे, मुझे बॉलिंग किया तो 2 विकेट ले, मतलब दिल में हाँ भैया ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगा था। तो क्या है इस बार राइट आर्म मीडियम फास्ट, अच्छा बाबू 15 में 11 76 7 मैच में 216 रन 5 विकेट 8 मैच 176 16 मैच में 400 एक काम करिए फर्स्ट इनिंग ट्राई करिएगा इनको भी, ठीक ना, क्या है हार्दिक पांड्या को फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करने का अपने को, सेकंड में नहीं करने का, समझे सेकंड में नहीं करेंगे। टीम डेविड, डेविड की बात करें तो डेविड 37 2 मैच में 37 बने किसी में नवाद थे पारी, ठीक है 14 मैच 301 43 के एवरेज यहाँ पर इस ग्राउंड की बात करें तो, बाकी 10 में 36 16 लोग 16% लेके जा रहा है टीम में, एक अच्छा इम्पैक्ट डाला था बंदा ने आकर के, टीम डेविड देखे होंगे आप लिए टीम में तो, है ना, तो एक अच्छा ये था ऑप्शन था, मगर ये था कि उन लोग ड्रॉप किए थे लोग तब, ऊपर से तीनों को ड्रॉप किया था तब ये अच्छा ऑप्शन था, नहीं तो अच्छा ऑप्शन कैसे हो सकता है ना, हम तीनों को ड्रॉप आज नहीं कर रहे, आज लेके चल रहे ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है, ले लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि तीनों को लेके जा रहे हैं भाई लोग, अगर उस साइड से हम ड्रॉप करते हैं या मल्टीपल कोई टीम हम बनाते हैं ड्रॉप करते हैं तो मैं बिल्कुल टीम डेविड को ट्राई करूंगा, और ट्राई करूंगा तो आपको भी ट्राई करवाऊंगा, कहाँ करवाऊंगा टेलीग्राम पर, और कैसे करवाऊंगा पता है पिच के साथ, देखा क्या था पिच रिपोर्ट देगा भैया, पिच रिपोर्ट कन्फर्म प्लेइंग 11 कौन कब खेलेगा टॉस का रिपोर्ट, अरे भैया सब कुछ मिलता है, मगर क्या सब फ्री मिलता है, किसी को कुछ पैसा नहीं देना, लिंक कहाँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बाकी वही है टीम डेविड के लिए हिसाब किताब भैया उसी टाइम पर लिया जाएगा जिस टाइम पर कोई ना हो अपने पास, तब निहाल वडेरा वडेरा का भैया मतलब जलवा चला था पिछले बार में, है ना, टीम अभी टेलीग्राम पर होगा जाके देख लिया जलवा में, 3 मैच में 99 रन 33 है यहाँ पर, 1 मैच 6 4 मैच में 73 रन 24 का, मतलब निहाल वडेरा इस बार मैं नहीं लेकर जाऊँगा, 13% टीम में ले गया सर इस बार मैं नहीं ले जाऊँगा। मोहम्मद नबी 1 विकेट लिए थे लास्ट में, कहने कैसे विकेट बॉलिंग दे दिया पता ना हमको समझ में नहीं आया काहे बॉलिंग दिया सर, तो हार ही ले भैया ले जाओ जा खेल लो तुम भी अपना जी ले जिंदगी, है ना, 8% टीम में लिया, मैं इस बार नहीं लेंगे मोहम्मद नबी को, ठीक है ऑफ ब्रेक है ना इसलिए अच्छा नहीं, इस बार फास्टर चाहिए हमको भैया, और नहीं तो एक लेग ब्रेक देता काम बंद नहीं होता, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अब लेग ब्रेक में जैसे यहाँ पर पीयूष चावला है, चावला का देखा चावल निकल जा रहा भाई कह सकते हैं, वो दम खम नहीं दिख रहा, 7 मैच में 4 विकेट है चावला, अब कब चावल हम लोग का निकाल जाए कोई पता नहीं है, ये भी जान लीजिए 2-3 विकेट ले तो हम लोग का चावल पीछे से निकल जाएगा, मैं चावला अपना ही चावल निकाले पड़ा बेचारा, अभी 5 मैचों में सिर्फ 1 बार ये 2 बार है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 16 में 12 विकेट है यहाँ पर, 7% लेगा टीम में, चलो छोड़ा इस बार चावल वावल नहीं चाहिए आपको, है ना। जसप्रीत बुमराह 16 में 20 विकेट जाएगा क्या इस बार, कौन जाएगा सुनील या साल्ट, क्योंकि बुमराह ये पहले फेंके हो चाहिए कोई ना कोई चाहिए, राइट एम फास्ट इस वेन्यू के लिए अच्छा है, ठीक है 40 में 46 है, 7.5 7.5 का देखिए 8 तक अगर जा रहा तो कोई रन रेट खराब नहीं, बहुत अच्छी बात है। 0-1-0-3-0 थोड़ा सा फ्लक्चुएशन बुमराह में आया हुआ, अब पिछले बार वालों नहीं लिए थे, मैं इस बार लेंगे, हम खुद ड्रॉप किए थे, मैं इस बार खुद हम लेके जाएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि हाँ ग्राउंड के हिसाब से चाहे हेड टू हेड के हिसाब से अच्छा है तो हम बिल्कुल लेके जाते हैं,
अब बात अलग है कि चले ना चलो बात किस बात है, मगर जिस हिसाब का एक होता है ना कंडीशन डाटा सब कुछ देख करके उस हिसाब से हम लेके जाते हैं। जैसे नहीं होता है बाल बच्चा का अभी पैदा किया भाई पोसता सब, अब ना खिला कमा के तो फिर क्या ही कर सकता है, मैं अभी तो पोसेगा ना भाई, तो वही चीज़ है सब कुछ देख रहे हैं सब कुछ सही हो तो हम भाई लेके जाएंगे, अब नहीं मिला तो फिर क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएंगे मगर लेके जाएंगे इस बार। ठीक है 83% टीम मिलेगी, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे 8 में 12, 8 में 8, 24 में 28 और 16 में 18 फर्स्ट में थोड़ा सा तगड़े रहने वाले हैं, सेकेंडरी में थोड़ा सा कम, मगर दोनों में लेके जाने वाले इस बार हम जसप्रीत बुमराह को, मेरा मन कर रहा है पता नहीं क्या है। ठीक है हाँ कोटा जी इनकी बात करें 4 में 6 यहाँ पर नॉट प्लेट है, 9 में 13 विकेट, 4 में 6, 10 और 10 का इकोनॉमी देख रहे हैं बुमराह इसमें कितना इकोनॉमी का अंतर है। ठीक है फिर भी बॉलिंग है सही 1-0-3-1-1 और 46% टीम मिली है, ये कोटा जी को लेके जाना है। ठीक है इसको भी ले जाना है, दो होंगे उसके बाद ही कहाँ से यार इंपैक्ट में आकर के क्या एक आप कहने कहाँ से विकेट लेके मूड खराब करता है, सही बता रहे हैं 4% टीम में लेके जा रहा है। ठीक है अभी भी राइट एंड फास्ट मीडियम है, ये थोड़ा सा दिक्कत है, तो बस इंपैक्ट का सवाल हट जाता ना मजा ही आ जाता, खैर कोई बात इसी में जिंदगी बिताना है, मगर अभी इंपैक्ट के लिए थोड़ा सा रोक दीजिए भैया, अभी रोक दीजिए भैया। ठीक है क्योंकि उधर है कौन कोलकाता है समझे, इतना आसान नहीं होगा जितना आसान समझा जा रहा है। ठीक है जो फॉर्म परचेंट फॉर्म उनका चल रहा है तो इसलिए इनको थोड़ा सा रोकिए अभी, अभी नहीं अभी हिसाब किताब इनका बाद में होगा, कब होगा टेलीग्राम पे होगा वहीं जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, बस और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है उसके बाद बेंच प्लेयर्स इनका एक स्क्रीनशॉट है, इसमें क्या है लेफ्ट आर्म मीडियम है, ठीक है अगर मान लीजिए आते हैं तो खेलने के राइट आर्म मीडियम फास्ट है, लेग ब्रेक ये आपको देखने को मिलेगा, इससे लुकवुड को खिलाएंगे तो ये है मान लीजिए है ना, अंशुल खिलाए तो इनको ये है राइट आर्म मीडियम, ये देखने को आपको मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट एक तो ले लीजिए ले लिए बड़ा तेज दिख रहे हैं आप, क्या बात है स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर मतलब क्या होता है इसका, जैसे पावर प्ले में कौन बॉलिंग फेंकेगा समझे, तो कौन है यहाँ पर देखा तो सारा 1-3-5 थोड़ा ये मेरे को थोड़ा सा यार खटक रहा है बस दिमाग में, बस बाहर सब जसप्रीत बुमराह ठीक है जो छठा खेले ये फेंकेंगे अच्छी बात है, कोटा जी 14 फेंकेंगे, तब यार कैसे तीनों को लेकर चले, बस ये दिमाग का काम नहीं कर रहा बस थोड़ा सा, बाकी अगर इसमें अगर सपोर्ट कर देंगे जैसे आप कल अभिषेक शर्मा का सपोर्ट किए थे ना कि भैया छोड़ देना, छोड़ दिए और छूट भी गया वो आउट ऑफ करा दिया सब यार है ना, आज क्या कर सकते हैं यही है तुषारा ही थोड़ा सा इम्पैक्ट में आके इम्पैक्ट डाल सकता है बंदा, बाकी नहीं तो ये लोग जुगाड़ सेट है इतना समझ में। उसके बाद डेथ ओवर यहाँ पर मोहम्मद नबी 15वां कर लेंगे, जसप्रीत बुमराह यहाँ पर 16-18-19वां कर लेंगे, तुषारा 17वां कर लेंगे, कोटेजी 18-20 में बहुत अच्छी बात है, अब कहाँ चाहिए मगर यही है 15-16 में अड्डा बन गया, और अब क्या किया जिसके लिए क्योंकि 3 ओवर पावर प्ले में फेंकेगा भाई, और 3 ओवर फेंकेगा तो मान लो कि अगर मान लो हम जसप्रीतों को लेंगे कोटेजियो को लेंगे ये लोग भी मतलब 3 ओवर फेंके देगा मिला करके। ठीक है और 3 ओवर वो फेंकेगा अकेले बंदा, अगर मान लो बुमराह एक आध विकेट हमारा ले लिया मान लो अपना हिसाब किताब से, या 2 विकेट बुमराह ले लिया, 1 विकेट कोटेजिया, एक विकेट बुमराह ले लिया मान लो पावर प्ले में, फिर 3 ओवर फेंक के कहाँ होगा, कहाँ जाइए 3 ओवर फेंक के किसको विकेट ली है, हैं अब कभी कभी एक आध विकेट मिलना है इतना नहीं कि हमें हमेशा मिलना, आप देखें यहाँ पर आप देखें ये क्या है हमेशा थोड़े रहा है, 0-5-0-0-1 अब कभी कभी 5 मिल जाएगा, एक काम करिए इस बंदे को थोड़ा सा इम्पैक्ट जैसा है ना इम्पैक्ट के हिसाब से हम भी लेते हैं, एक टीम में इस बंदे का जगह नहीं दूंगा, दूसरी टीम में इस बंदे का जगह मैं दे दूंगा। ठीक है इसमें से किसको फिर ड्रॉप कर देंगे एक तो, अब इसमें से मान ला टिंग टिंगा टिंग एक तो बुमराह को ड्रॉप करते हैं, चलो कर दें बुमराह को कोटाजी को बुमराह को करेंगे, ठीक है कोटाजी के लिए 18-20 है ना बुमराह करेंगे ड्रॉप एक टीम में। ठीक है अब उससे पहले देखिए ये है प्लेयर बैटल, मतलब इसका मतलब ये होता है कि रोहित को कौन कौन आउट करने वाला है भाई मैचअप। ठीक है इसमें कौन है नारायण 8 बार आउट गया भाई 8 बार 136 बॉल 145 रन। ठीक है उसके बाद यहाँ पर कौन है ये सकरिया 7 बॉल में 3 रन 1 बार आउट किया, तो यही चीज थोड़ा सा नारायण के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बंदा ये बॉलिंग भी करता है, इसलिए छोड़ के जा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बस और कोई बात नहीं है। ठीक है उसके बाद देखिए ईशान किशन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ईशान किशन को कौन कौन आउट करता है, सूर्य कुमार यादव के लिए आइए, ठीक है हार्दिक पांड्या के लिए रसल उसल आउट कर लेते हैं, तो यही थोड़ा सा नारायण के लिए एक पावर या प्लस पॉइंट बनता है, नहीं तो फिर बैटिंग के लिए आप उतना ना समझे क्यों मैं बता रहा हूँ आगे। उससे पहले देखिए आपके लिए iPhone 14 किसको किसको चाहिए होता है, सबका शौक है ना तो शौक रह जाएंगे जब तक आप काम नहीं करेंगे उसके पीछे, और इतना लेना काम करके 8 घंटा नौकरी करके तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं उतना, मतलब बहुत मुश्किल है जो जिम्मेदार वाला होगा ना हम लोग जैसे ना घर चलाना वाला उसका तो फट ही जाएगा मतलब लेने में। ठीक है हम सारा सोच रहे हैं आज तक लेने में दूसरा आगे छोड़ा है ना सोच रहे भाई क्या ले क्या करेंगे जब 30 दिन में काम हो जा रहा है 40 दिन में काम हो जा रहा है 1.5 लाख लगा हो जाए मगर आपको फ्री मिलेगा 10 रुपये में ओनली इसको लगाएंगे हम भी
चल भैया का मिल गया तो शौक पूरा हो गया, अपना काम भी बन गया, ठीक है। 10 रुपया में ये आईफोन मिल जाएगा। और रही बात मेरे को लेने में दिक्कत नहीं है, इसको लेने के लिए खूब झुकूब हमको ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, बस 5 दिन खाली काम करेंगे बस काम हो जाएगा, एक तो आईफोन हो जाएगा। मैं नहीं, जरूरत नहीं है उस टाइप, क्या ही फायदा, शौक को गोली मार के अपना जिम्मेदारी पूरा करो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, खैर यहाँ तो हम पूरा करेंगे, 10 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो आप भी लगा सकते हैं 10 रुपये में ये आईफोन 14 और 0 रुपये में ये 10,000। लोग बोलते हैं गरीब, अरे कहाँ है गरीब भैया, कौन बोला यहाँ आओ ना, अमीर बोला ना। अब गरीब हो के मेहनत तो नहीं करो तो फिर गरीब ना रहा यार, है गरीब है तो क्या हो, मेहनत करेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। अब मेहनत तो नहीं करेंगे, गरीबी है हमें भैया सबको, तो कोई ला के थोड़े देने वाला, कुछ नहीं, दुनिया ऐसा नहीं है, आज दुनिया खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्पोर्ट्स बाजी दे रहा है आपको, ये चीज लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, इसको लगा लीजिए 0 में, ठीक है, 10,000 का काम हो जाएगा आपका। ये लगा दिए 10 रुपये में, कहीं से घूम फिर, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ या 3 करोड़ का सपना देख के लगाता है, इसमें कहीं से घूम फिर के नहीं आ सकता है, क्योंकि कंपनी ने कम है ना, कई बार बोल रहे ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 999, 399, ये थोड़ा सा हाई लीग है, इसमें भी प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, कंपटीशन कम है, प्लस में प्लेटफॉर्म फीस कम है, तो मज़ा ये आता है, जो हेड टू हेड खेलते हैं ना उसके, एक नंबर का चीज़ है ये, इससे बढ़िया ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा कोई स्पोर्ट्स बाजी से। उसके बाद और देखिए, मान लीजिए ये सब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर 9,476 रुपये, ठीक है। क्या लगता है मुंबई इलेवन का मैच अगेंस्ट कोलकाता जीतेगा? हाँ भैया जीतेगा, हाँ हाँ जीतेगा भैया जीतेगा, ठीक है, लगा दिया मैं तो 7,753 लगाया मैं, क्या है यहाँ वापस आ रहा है, इतना ये लगाया हूँ ये वापस आ रहा है, क्या कमाल की चीज़ नहीं है ये। अब यहाँ पर आप 5 लगाइए ना, 5 में अगर 4 रुपये वापस आ जा रहा है आपको, 5×4 9 रुपये हो जाएगा, तो क्या कम है ये, ऐसे ही ना आगे बढ़ता है यार। बोले नहीं, हमारा 3 करोड़ आज चाहिए भाई, हम आज ही अमीर बन जाएंगे गरीबी से सीधा, यार ऐसा थोड़े होता है, कोशिश करना पड़ता है आदमी को, ठीक है। ये बहुत तरह का चीज़ है, बाकी मैं लगाया 9,476, ठीक है। अब लगता नहीं रे भाई, मुंबई नहीं जीतेगा, जीतेगा कोलकाता, अब समझ में आ गया रे बाबा, ठीक है। एक पारी होने के बाद हम झटपट आएंगे, चुपचाप यहाँ मारेंगे एग्जिट, इससे फायदा क्या होगा कि ठीक है 9,476 लगाए थे ना, अपने को बचाओगा 8,000 बचाओगे यहाँ पर, तब से हम मार देंगे एग्जिट, 8,000 कम से कम अपना आ जाए भैया। और जो क्या होता है, जो लगा दिए तो लगा दिए बाबू, फिर वापस नहीं आने वाला है, समझे, ये फायदा यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरी चीज, कई तरह के सवाल, अरे भैया हजारों सवाल है, 1,000 में से 3 गो सवाल आता है, बुझाता है कि नहीं है, अगर 3 सवाल बुझा रहा है जवाब दे दीजिए, उससे पैसा भजा लीजिए अपना, भजाना इसको बोलते हैं, समझे, नहीं बुझा रहा चुपचाप बैठे रहिए, नहीं हमको नहीं आ रहा, 1,000 में से कोई नहीं आ रहा, दूसरा दिन का इंतजार करिए, तो पैसा ऐसे ना कमा सकता है, थोड़ा सा कन्फर्म हो गया पैसा कमाइए, मजा आता है। ये है स्पोर्ट्स बाजी, लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, मौका आज है, कल हो सकता है ना मिले, तो इसलिए ट्राई कर लीजिए, सब कुछ फ्री है, आईफोन 14 मिल जा रहा है, 10,000 को लीग मिल जा रहा है, प्लस में वो सब फ्री मिल जा रहा है, 7% ये हो करके 19% मिल जा रहा है, बहुत चीज़ें हैं, कितना बताएगा आदमी, है ना। ये देखिए पॉसिबल लाइन अप, इसका देखिए बारा कोलकाता का, हम लोग क्यों ऐसा कर रहे, हम मुंबई में क्यों लगा दिए दबा करके, क्योंकि हमारे दिल दिमाग से ख्याल से कोलकाता हारेगा, क्योंकि लोग जाएगा जाएगा तब ना, नहीं तो लोग चले गए तो फिर हमारा दिल दिमाग ख्याल सब हो जाएगा, उल्टा गोली मार देगा सब उसमें, समझे। फिर उसके बाद ये हमें अच्छी वगैरह सब ये सब आ जाएंगे, तो ये इसमें आप देखेंगे कोलकाता में, तो जो बॉलर सबसे तेज विकेट लिया यहाँ इस पिच पर ज़्यादा, जैसे बुमराह था, उससे इसमें आपको कोई दिखा, राइट आर्म फास्ट कोई दिखाई दे रहा है क्या, राइट आर्म फास्ट मीडियम में है, फास्ट में कोई नहीं है, समझे। इसलिए मेरे को लगा थोड़ा सा कि नहीं झुकाओ, थोड़ा सा मुंबई की तरफ जाना चाहिए, समझे। बाकी ये इंपैक्ट प्लेस का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिलिप साल्ट है, साल्ट में बात करें, साल्ट पूरे एकदम नमक लगा के मारे पड़े सब, एक बार सिर्फ एक बार 10 है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ अगर हेड टू हेड देखे, ग्राउंड देखे तो नहीं खेले, 9 मैच में 49 का यहाँ पर उच्चर 100% टीम में ले गया, बाकी कुछ आपको रहता यहाँ दिखाई नहीं देगा, अवेलेबल नहीं है। सुनील नारायण इनकी बात करें तो पिछला बार फ्लॉप का तो बात हुआ था, मगर फ्लॉप में यार 15 रन मार के एक विकेट ले, कहाँ से फ्लॉप हो गया, नहीं हुआ फ्लॉप, तो ये एक ऑप्शन आ जाता है सुनील के पास, नहीं तो रन के मामले में बोलेंगे तो इतना कुछ नहीं सोच सकते भाई, 21 मैच 43 रन, ठीक है, 23 विकेट साथ में, तो विकेट से ही सोचा जा सकता है। और खासकर ये ऑफ ब्रेक है, 14 मैच में 13 विकेट मिला है, 30 रन है साथ में, मगर इस IPL में 9 मैच खेल कर 372 रन और ये क्या है 11 विकेट है साथ में, ठीक है, और 97% टीम में ले जा रहा है। सुनील के लिए एक यही प्लस पॉइंट बनता है जो हर जगह आपको दिखाई देगा, देखिए 15 पे 1 है, 71 पे 0 है यहाँ पर, ठीक है, विकेट ना लिए, यहाँ पर 10 पे 2 है, 109 पे 2 है, 6 पे यहाँ पर 1, फिर से अगर रन में फ्लॉप हुए तो विकेट से कुछ नहीं, एक प्लस पॉइंट बन जाता है सुनील का। और साल्ट का गए तो फिर गए, समझ में आया बात, कीपिंग से थोड़ा सा मिल जाता जो भी मिला, इधर से गए तो गए, तो यही थोड़ा सा मामला यहाँ फंसता है, क्या करना है आज के दिन बताइए। एक तो मान लीजिए इस बंदे को रखना पड़ेगा, मजबूरी वाला काम है, क्योंकि ये चाहे वो दोनों में से कोई भी कर सकता है, और परसेंट बहुमत जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ठीक है, इस बंदे पे थोड़ा सा रिस्क लिया जाता है, एक में छोड़ के एक में लिया जा सकता है ना, सही है नाम ना, अगर गलत तो बताइए इसी जगह पर, हिसाब हो जाएगा अभी
अब आप भी कमेंट करके हिसाब बता सकते हैं कि हाँ भैया नहीं इसको लेकर के इसको छोड़ा या छोड़ी, जो भी मन में आता हो आप कर सकते हैं, उससे बहुत आंकड़े मिलते हैं। आप लोग का जवाब था ना अभी सेक आउट हो गया, इसलिए छोड़ भी दिया था। मेरा अच्छा ठीक है यार, जब सब इतना बोला था हम कहा सही हो सकता है, अकेले सबका बात सही हुआ तो होता है ऐसा, ठीक है। तो यही फंसता, अगर इन दोनों को ऊपर पार पा लिए भाई तो जीएल का पूरा सफर यही से कंप्लीट हो जाएगा आपको। समझ में आ रहा बात, क्या करना है बताइए है? मैं बताऊँ, सुनील को रखता हूँ ठीक है, साल्ट को एक टीम में ड्रॉप करके एक टीम में रखता हूँ इसमें, है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। और नहीं तो फिर मल्टीपल टीम बना के सुनील को भी ड्रॉप करके साल्ट को इस टीम में रखते हैं, फिर ये चीज़ हम ट्राई कर सकते हैं सर, ठीक है। बाकी और दोनों को ट्राई करना एक साथ में थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, और जब दोनों को ट्राई करेंगे तो फिर जो हम बुमराह और कटेचिया का जुगाड़ बना के लाए ना, वो जुगाड़ फेल करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर दोनों को ट्राई कर पाएंगे, ऐसे हमसे नहीं हो पाएगा भैया। अब जो भी होगा देखिए टेलीग्राम पर टीम जाएंगी टॉस के बाद, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ भैया अंगरक्षी की बात करें तो इनका भैया 8 मैच में 118 24 का, बाकी 3-7 यहाँ मौके सदेवेरी खरा मौका 6% टीम में ले गया, तो इस बार अभी ड्रॉप करता हूँ। बाकी वेंकटेश अय्यर की बात करें तो अय्यर भैया यहाँ पर अय्यर मिलकर पिछला बड़ी कमेंटेटर से मजा लेता है भाई, अय्यर मिलकर मैच जिता दिए, अय्यर मिलकर थोड़ा स्लो खेल रहा है, यहाँ गजब 4 मैच में 250 रन हेड टू हेड देखे तो बहुत अच्छी बात है भाई अय्यर का, ठीक है, और साथ में 2 विकेट भी अय्यर के पास, ओके। 9 मैच में यहाँ पर क्या 154 है और 0 विकेट है, तो हेड टू हेड के हिसाब से अय्यर बेस्ट बनता है। 26% टीम में ले जा रहा है, और 2 मैच में 110 फर्स्ट इनिंग में, 2 मैच में 147 है ना, 2 मैच में 103 और 2 मैच में 19 इस ग्राउंड पे। सेकेंड इनिंग उतना अच्छा नहीं है जितना ये फर्स्ट इनिंग, तो फर्स्ट इनिंग में अय्यर को ट्राई कर लीजिए, वेंकटेश अय्यर, ठीक है। उसके बाद सुरेश अय्यर, वाह अय्यर 9-200 यार, हो क्या बात है भाई, अय्यर यहाँ भी दोनों जगह चलता है भाई, है ना, तो इस अय्यर को भी ट्राई करेंगे। और इसका तो मतलब अगर देखा जाए तो 281-35-94-19 अच्छा बाबू 77-26 ग्राउंड की बात करें सेकंड इनिंग में, और अगर मान लो टीम के साथ बात करें तो फर्स्ट इनिंग में इका झोल है भाई इका झोल है, देखना पड़ेगा लग रहा है प्लेयर बैठा हुआ है कौन किसको आउट कर रहा है, कौन है एक आउट करने वाला, आगे देखना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा रुका, एक तो अय्यर को ले लिया ना, दूसरा अय्यर को रुका अभी, ठीक है। रिंकू सिंह भाई बहुत अफसोस है मेरे को कि ये प्रदर्शन नहीं था ये लायक बंदा, मगर ऐसा प्रदर्शन कर दिया, पता ना कैसे हो रहा है, मैं इस बार फिर से ट्राई करते हैं रिंकू सिंह को, लेते हैं टीम में जगह देते हैं, ठीक है रिंकू, क्योंकि आज उन लोग जाने वाला है तो यही निकल के आने वाला है, ठीक है, ट्राई करता हूँ एक बार रिंकू को फिर से, खेल गया ना भाई 40-50 रन का पारी ना, फिर तो मजा ही मजा आ जाएगा, ठीक है रिंकू को ट्राई करूंगा। रसल का रस पिछला बार पूरा अच्छे से चुसा गया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, इसीलिए इनका 80% आ गया, जो कि स्टार्ट जब किए तो बहुत अच्छा स्टार्ट था इनका, है ना, 16-224-13 विकेट राइट आर्म फास्ट दिमाग में आया, ये सवाल हम नहीं भूले हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं वही चीज नहीं भूले हम, राइट आर्म फास्ट क्या है, राइट आर्म फास्ट 9 में 5 विकेट इस ग्राउंड पे, राइट आर्म फास्ट, चलिए भाई ले ले आंद्रे रसल को भी लेना है, क्यों, क्योंकि भैया फ्लॉप हो रहा है अपना टॉप ऑर्डर, अब इसमें टॉप ऑर्डर को फ्लॉप नहीं करेंगे जो टीम में, उसमें रसल को नहीं लेंगे, हो गया हिसाब बराबर, यही कर दिया ना, हाँ। रमनदीप सिंह 9 मैच में 81-27 का, अच्छा ठीक है, हर दिन नवादे रहते हैं, ठीक है ना, नवाद का कैप्टन चाहिए तो बना लीजिएगा लेकर के, नहीं तो छोड़ दीजिएगा मजाक कर रहा था, अभी लेने के लायक नहीं रमनदीप सिंह, कोलैप्स होगा टॉप ऑर्डर तब नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। स्टार्क लेफ्ट आर्म फास्ट 2 में 1 3 में 3 अच्छा बाबू ना ले इस बार हम पूरा, ठीक है ना ले हटावा ज्यादा अभी, हाँ वरुण चक्रवर्ती लेग ब्रेक 5-5-6-5-6-5-1-2-1 58% चक्रवर्ती को पिछला बार बताया था लिया भी था बंदा अच्छा 3 विकेट लिया, इस बार चक्रवर्ती के लेग ब्रेक में कुछ थोड़ा सा ग्राउंड के हिसाब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ना मिल पाए, है ना, तो इसे थोड़ा सा अभी रोकिए डबल टिक मतलब रोकना है, सिंगल टिक मतलब लेके जाना है, ठीक है अभी रोकिए। वैभव अरोरा इनकी बात करें तो एक वैभव 1 में 5 में 9 वैभव 40% ठीक है, एक वैभव को रखा जाए, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस है बंदा, थोड़ा सा चांस होता है कंटिन्यूस कर चले का विकेट मिल जाए, है ना, तो कंटिन्यूस को थोड़ा सा ट्राई करना है। उसके बाद यहाँ पर भैया सकरिया यार ये कहाँ से निकल के आ गए, इम्पैक्ट में 1% 2 में 1 7 में 8 विकेट इस बल्लू पर, ये तो थोड़ा सा भैया इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है, क्योंकि 1-2-1-1-2 मतलब जो ईशान के लिए हम लोग हमला करने के बुला रहे हैं कि भैया ईशान को हम ड्रॉप करें टीमों में,
ये हमला करता है, कैसे करिए आप देखता हो कब पहले बॉलिंग करने आता है, ठीक है। बाकी अगर हुआ तो वैभव और एक्ट हो जाएगा। मान लीजिए एक लेग ब्रेक में देखें कब बॉलिंग पिच है कैसा है, ठीक है, मिजाज कैसा है, पेसर चलेंगे या स्पिनर चलेंगे, उसके बाद वो नहीं होगा तो वरुण चक्रवर्ती को भी दिमाग लगा के रख लेंगे, ठीक है। मेरे सकरिया के थोड़ा सा दिमाग में उठ रहा है मेरा सवाल और जवाब क्या किया जाए, उसे पर जानिए ये बेंच प्लेयर्स, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। हो गया क्या है, चले आगे। अब देखिए ये स्टार्टिंग है डेथ ओवर, यानी कि मिचल स्टार्क एक और तीन करेंगे भाई, अब बचा लिया हमारा रोहित शर्मा के इस बार, वैभव अरुणा अरे बाप रे बाप, दो और चार सकरिया पचवा सुनील नारायण चक, अरे बाप रे बाप, एक क्या देखने को मिल रहा है भाई, वरुण चक्रवर्ती 15वां, मिचल स्टार्क 16वां और यहाँ पर सकरिया 17वां 19वां, वैभव यहाँ पर 18वां और रसल यहाँ 20वां, अरे भाई साहब क्या भाई यार, मतलब कलकत्ता बॉलिंग करवा रहा है कि मजाली आ रहा है, मतलब यार है कहा, मतलब एक दिमाग में कि हम एक और रन नहीं बना देंगे, ऐसे थोड़ा होता है यार, अरे कुछ थोड़ा सा सांस दे देना चाहिए बैट्समैन लोग को, बेचारे रोहित शर्मा 3 बार से फ्लो पता जा रहा है, कैसे होगा ऐसे काम, फिर करवा देगा ऐसा हाल रहेगा तो, जैसे बॉलिंग दिखाई दे रहा तो भैया काम करा सकरिया के, अगर एक ओवर मिलता है सकरिया को लेकर चलेंगे खाली बस, ठीक ना, बाकी सुनील तो मतलब टीम में जिसमें लेंगे उसमें तो राउ हो जाएगा, दो बॉलर अपने पास पावर प्ले में हो जाएंगे, ठीक है। बाकी और इस सबको छोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि एक और तीन और चार पाँच मतलब 4 ओवर तक ये दोनों मिलकर संभालेगा सर, वैभव का थोड़ा सा चांसेस, वैभव अब चाहे तो वैभव रखेंगे तो उसके बाद सुनील को रखेंगे, सकरिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 बॉलर तो हम मतलब मुंबई के पिच पर ना ले जाएंगे भैया, इतना आसान नहीं, और लेके जाएंगे जब 3 तो भैया ऊपर से ड्रॉप करेंगे तभी लेके जाएंगे, इसे हम नहीं ले जाएंगे, हमारा मन नहीं कर रहा। बाकी स्क्रीन शॉट आप इसका रख लीजिए एक तो, ठीक है, क्योंकि बॉलर्स के मामले में डाटा अपना यहाँ से परफेक्ट जाता है, आवाज ही परफेक्ट ही जाएगा, जब नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल तभी हम छोड़ देंगे भैया, है ना, कब समझ में आएगा जब टॉस हो गया तब, तो उस पर बना के हम टीम आपको टेलीग्राम पर देंगे, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ रहा आप लेकर रखिए। साल्ट के लिए कौन है भाई, नटराजन, ये कौन है, तुषारा, ओ भाई साहब तुषारा, रसल, बुमराह 4 बार आउट, क्या बात है भाई बुमराह, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई बुमराह, है ना, हार्दिक पांडे 1 बार आउट, सुनील नारायण भाई बुमराह आउट कर दे इस बार, कर दे श्रेयस अय्यर, इनको भाई बुमराह 40 पे 1 है, हालांकि श्रेयस का ठीक है रन अगर देखे तो, हार्दिक पांड्या के पास ही बेकार है, सिर्फ 11 बॉल में 8 रन 1 बार आउट हार्दिक पांड्या किया, बाकी लोग चावला हो चाहे बुमराह हो आउट किया, मगर 42 रन 59 रन मारपीट के बजाय आउट हुआ तो सही है, अरे इन दोनों के लिए थोड़ा सा मामला सेट हो जाता ना, गोटी सेट हो जाता है मतलब जीएल का, ठीक है, गोटी सेट होगा कल, ये जान लीजिए कल होगा गोटी सेट, क्योंकि बुमराह भी खकवाइल हम भी खकवाइले हैं थोड़ा सा समझे, इसलिए थोड़ा सा सेट होगा, प्लस में बुमराह को सपोर्ट भी मिलेगा इस पिच से, ओके। बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहीं पर आपको टीम मिलेगी, कब मिलेगी, जब टॉस होगी तब, टॉस के बाद क्या मिलेगा आपको, टॉस का अपडेट मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा भाई, उसके बाद पूरा लाइनअप मिलेगा आपको, है ना, कौन कब खेलने है, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, उसके बाद मिलेगा भाई साहब कि पिच कैसा है, बॉलिंग बैटिंग कितना मीटर खेलने हैं, सुखल है हरियर है गीला है घास है फूस है का है सब मिलेगा उस पर देखने को आपको, ठीक है, सब कुछ दिखाऊंगा, बाकी यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी जगह सब कुछ दिखाऊंगा, वो फेकोन पर नहीं नहीं जाएगा और नहीं टीम जाएगा वहाँ, जब पैसा देगा तब टीम जाएगी वहाँ, ठीक है, यहाँ कोई पैसा नहीं देना, सब कुछ फ्री आपको मिलेगा, उसके बाद क्या ये टीम है, इसका आपको स्क्रीन शॉट अभी लेना है समझे, उससे पहले जान लीजिए आज का, जैसे बताया था कल भी रेड्डी उड्डी के बारे में बताया था ना, देखिए चला ना है, तो वही चीज़ है, फिर से बता रहा हूँ, निहाल वडेरा ट्रंप कार्ड में, वेंकटेश अय्यर जो कि मैं टीम में रखा है एक्टर में रखा हूँ ना, हाँ रिंकू सिंह रखा हूँ ना, हाँ ऐसे बोला हाँ, और यहाँ पर तुषारा, ठीक है, ये 4 ट्रंप कार्ड प्लेयर हैं एकदम मतलब सेंसिटिव, ठीक है, उसके बाद ये सेफ सीबीसी मतलब एकदम आराम से जा भैया, कोई दिक्कत नहीं है आपको जाने में, तो सुनील नारायण है, रोहित शर्मा है और फिलिप साल्ट है, कौन है ये, सूर्य कुमार यादव, बाकी एक स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए, और ये थोड़ा सा ध्यान में रखकर, ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखकर टीम को क्रिएट करिएगा, ना क्रिएट कर पाइएगा तो टेंशन मत लीजिए, हम जो खेलेंगे वो देंगे आपको, अब अगर हम हारा तो आप भी हारिएगा, हम जीतेंगे तो आप भी जीतिएगा, ठीक है, ये भरोसा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वहीं पर मिलेंगे हम टॉस के बाद जस्ट, समझे, अच्छा कुछ फ्री होगा, पैसा ना देना है ना लेना है अभी आपको, ले लीजिएगा मत किसी से आप, ठीक है, और दीजिएगा मत किसी को, समझे, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल रहिए, और चले वीडियो को छोड़े, मन नहीं करता जाने से, मतलब फिर भी जाना पड़ेगा, मजबूरी है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, जय हिंद।
मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में भाई। और फटाफट पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहीं मिलेंगे साला। आज भी वही टाइम हुई है 40 मिनट यार। चलो ठीक है, बाय बाय। क्या करें, मजबूरी है, बना ही नहीं पाता जल्दी। इतना स्टेटस है भाई, खत्म ही नहीं होता जल्दी, क्या बताएं। चलो ठीक है, रखते हैं भैया।